तो गाइस वीडियो का थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में क्या है। तो इस वीडियो में गाइस हम लोग इस तरह के सब्सक्राइब बटन बनाना सीखने वाले, ठीक है। खुद के चैनल के जो सब्सक्राइब बटन है गाइस उसे कस्टमाइज़ करने वाले, उसको एडिट किस तरह से करते हैं वो देखने वाले, और साथ ही जो नोटिफिकेशन रहता है कुछ इस तरह के गाइस, इसको भी हम किस तरह से एडिट कर सकते हैं, बना सकते हैं, ग्रीन स्क्रीन वाले है इसको किस तरह से, कहाँ से डाउनलोड करना है, किस तरह से बनाना है, वो सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा विद इन टू थ्री मिनट्स के अंदर, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कायन मास्टर ओपन कर लेना है। कायन मास्टर ओपन करने के बाद क्रिएट अ न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से 16:9 सेलेक्ट करना है, या फिर कोई और भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद इमेज एसेट से जाके आपको कोई भी एक बैकग्राउंड कलर ले लेना है, ठीक है, यानी कि बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद बैक आके गाइस आपको जाना है लेयर के ऊपर, और यहाँ से मीडिया के ऊपर जाके ये जो मैंने आपको ग्रीन स्क्रीन दिया हुआ है इसको कहाँ से डाउनलोड कर ऐसे करना है वो सब मैं आपको बाद में बता दूंगा। उसके बाद बैकग्राउंड कलर आपको क्या करना है, ग्रीन स्क्रीन कर लेना है, ठीक है, कुछ इस तरह से फिर ये दिखाई देगा। अब गाइस हमारा जो मेन वीडियो है यहाँ तक है, ठीक है, 7 सेकंड तक है, तो उतना ही जो गाइस बैकग्राउंड है हमारे बैकग्राउंड क्लियर है उसको भी उतना ही कर लेना है, बाकी का क्रॉप कर लेना, ठीक है। तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा गाइस। अब सिंपली आपको करना क्या है गाइस, स्टार्टिंग पोजिशन पर आना है, लेयर पर जाना है, मीडिया पर जाना है, और ऐसे गाइस आपका जो भी लोग है यूट्यूब चैनल का उसको ले लेना है। उसके बाद क्रॉप करके गाइस इसको शेप सर्कल कर लेना है, और इसको छोटा करके यहाँ पर सेट कर देना है एक साइड में, ठीक है। तो गाइस ये कुछ इस तरह से दिखेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इस लेयर को बड़ा कर लेना है कुछ इस तरह से। उसके बाद सिंपली स्टार्टिंग पोजीशन पे जाना है, लेयर पे जाना है, टेक्स्ट के ऊपर जाना है, और ऐसे गाइस आपके चैनल का जो भी नाम है वो आपको इधर टाइप कर लेना है। तो मेरे चैनल का नाम टाइप कर देता हूँ गाइस, ठीक है, ये वाला। उसके बाद इसको थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पर सेट कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद फॉन्ट के ऊपर जाके गाइस आपका जो भी पसंदीदा फॉन्ट है वो आप ले सकते हो। उसके बाद इसको लेयर को बड़ा कर लेना है, तो कुछ ये इस तरह से दिखेगा गाइस, ठीक है। अभी जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूँ इसलिए गाइस थोड़ा सा गलत हो सकता है, लेकिन आप धीरे धीरे कर लेना, ठीक है। अब तो हमारा काम कंप्लीट हो गया गाइस, अब देखते वीडियो किस तरह बना है। तो ये हमारा गाइस 50% काम हो गया। अब क्या करना है, सिंपली इसको एनिमेट करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो मेन फ्रेम है हमारी उसके ऊपर क्लिक करके इसको एनिमेट करना है। इसको क्या करना है गाइस, आपको स्लाइड अप कर लेना है, ठीक है। उसी तरह बाकी के भी जो लेयर से गाइस उसको भी आपको इन एनिमेशन स्लाइड अप कर लेना है। तो फाइनल रिजल्ट गाइस आपके सामने कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया गाइस पहला वीडियो, अब देखते हैं दूसरा वीडियो हमें किस तरह से क्रिएट करना है। तो गाइस फिर से हमें क्रिएट अ न्यू के ऊपर क्लिक करके कोई भी एक रेशियो सेलेक्ट कर लेना, यहाँ से बैकग्राउंड सेलेक्ट करना एज इट इज़, जैसे हमने पहले किया था वैसे ही, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद बैक आके लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है, और यहाँ से ये वाला जो आइकॉन है गाइस मैंने आपको दिया हुआ इसको आपको ले लेना है। उससे पहले बैकग्राउंड कलर इसका भी आपको क्या करना है, ग्रीन सेलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरह से। ये थोड़ा सा ग्रीन स्क्रीन आपको अलग अलग दिखाई देगा, इसके लिए आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा कम कर लेना है कुछ 223 तक कर लेना, ठीक है, कुछ इस तरह से दिखेगा। अब देख सकते हैं पूरी तरह से गायब हो गया। अब सिंपली आपको करना क्या है गाइस, पहले तो बैकग्राउंड क्लियर जो है गाइस उसको मैच कर लेना है, ठीक है, यानी कि जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर लेना है। और जहाँ पे गाइस वीडियो स्टार्ट होता है कुछ यहाँ पे कम्प्लीटली स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है गाइस, आपको बैक आके लेयर पर जाके टेक्स्ट के ऊपर आना है, और आपके चैनल का नाम डालना है आपको यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये यूट्यूब का आइकॉन है ऊपर यहाँ पे। उसके बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना, और इसका कलर आप सिलेक्ट कर लेना, आपको जो भी कलर पसंद है वो वाला आप ले सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाने के लिए ये वाला लेता हूँ। उसके बाद फॉन्ट के ऊपर जाके गाइस आप कोई भी एक फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर भी यही ले लेता हूँ कुछ इस तरह से दिखेगा गाइस, ठीक है, आप देख सकते हो। उसके बाद गाइस इसका इन एनिमेशन आपको क्या करना है, कुछ इस तरह से दे देना है, ठीक है, लेकिन ये वाला नहीं देना, वाइप राइट वाला दे देना, ये देखने में अट्रैक्टिव देखेगा गाइस। तो उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, इसकी कॉपी कर लेना है, ठीक है, डुप्लीकेट कर लिया, इसको नीचे लेके आना है। अब इसका भी डुप्लीकेट करना गाइस, उसके बाद क्या करना है आपको, इसको भी नीचे लेके आना है।
तो गाइस आप देख सकते हैं कि एक किस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से गाइस जो हमारा वीडियो है वो पूरी तरह से क्रिएट हो जाएगा। अब सिंपली क्या करना है गाइस, ये जो लेयर से उसको एंड तक आपको कर लेना है, ठीक है। मतलब खींच कर पूरा वीडियो, जितना वीडियो है आपका वहाँ तक आपको इसको ले लेना है कुछ इस तरह से गाइस। तो आप देख सकते हैं गाइस हमारा जो लास्ट आउटपुट निकल के आया वो किस तरह से दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना, ऊपर एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे, इसके ऊपर क्लिक करके आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से सारे जो इसका रेजोल्यूशन है वो सिलेक्ट कर सकते हो, उसके बाद सेव एज वीडियो के ऊपर क्लिक करके इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी वीडियो में। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।